अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह राइट फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आप मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह राइट फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक नाम लिखा है और आप ये चाहते हैं कि उसके आखिर के 3 हरूफ मैं दूसरे कॉलम में लिखूँ, अगर आपने कोई गिनती लिखी है मतलब 1 2 3 4 5, तो आप चाहते हैं कि मेरे आखिर में जो 5 है, 4 और 5 है, वो अलहदा मैं लिखूँ, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, इसी वीडियो में आपको ये बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कॉलम में डबल पर क्लिक किया, तो डबल क्लिक करने के बाद ये लिखने वाला आ चुका है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं कुछ नाम लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी से ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। जी ये देखिए मैंने कुछ नाम लिख लिया है जल्दी जल्दी से ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो और वीडियो छोटी से छोटी बने। मैंने नाम लिख लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन नामों से, मतलब ये मैंने अहमद लिखा है सबसे ऊपर, ठीक है, पहला नाम, तो मैं ये चाहता हूँ कि आखिर में जो 3 हरूफ है वो मैं अलहदा कॉलम में लिखूँ, ठीक है, बी कॉलम में लिखूँ, MAD में अलहदा लिखूँ, और नीचे वाला है आसिफ अली, तो मैं इसके भी 3 हरूफ अलहदा कॉलम में लिखूँ। तो इसके लिए मैं छोटा सा फार्मूला लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी से, आपके सामने अब लिखता हूँ ताकि आपको किसी किस्म का शक ना रहे। सबसे पहले मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, ये मैं आपको राइट फार्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका नाम है राइट फार्मूला, ठीक है, नाम इसका राइट फार्मूला है। तो मैं लिखता हूँ RIGHT, ठीक है, राइट फार्मूला मैंने लिख लिया, और मैं ये चाहता हूँ ब्रैकेट मैंने ओपन की, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं ए में से यानी ए, मैंने ए पे क्लिक किया तो ये ए सेलेक्ट हो चुका है। ए में से मैंने क्या लेना है, मैंने ए में से 3 हरूफ अलहदा अलहदा कॉलम में लिखने हैं, ठीक है, अलहदा कॉलम में रख देने हैं, तो मैं 3 लिख देता हूँ यहाँ पर। ऊपर आपको फार्मूला बार में फार्मूला नज़र आ रहा हो, मैं आपको दिखा देता हूँ एक छोटे से हाइलाइटर की मदद से। ये देखिए फार्मूला यहाँ पर आपको आसानी से नज़र आ सकता है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है, मैंने फार्मूला आपको बता दिया। अब मैं राइट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये देखिए MAD, और नीचे भी ये जो MAD, अब मैं चाहता हूँ कि ये तमाम के तमाम है, मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके फिल कर देता हूँ, फिल किया मैंने और मैं नीचे की चला जाता हूँ। ये देखिए अब आपके सामने ये बिल्कुल अजीबोगरीब बात है कि मैंने तो सिर्फ MAD का जो फार्मूला है वो अप्लाई किया है, लेकिन ये तमाम के तमाम हरूफ अलहदा कैसे हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा सबूत दे देता हूँ कि ये देखें, ये अहमाद लिखा हुआ है HAMAD चौथे नंबर पर, ठीक है, तो इसके आखिर में जो 3 लफ्ज़ है MAD, ये बिल्कुल अलहदा हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं 5 4 लफ्ज़ अलहदा करूँ, ठीक है, 4, तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर फार्मूले में दोबारा मैं लिख देता हूँ 4, 3 ख़त्म करके 4 मैंने लिख दिया, ठीक है, 4 मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये 4 हरूफ आ जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पर तो 4 हरूफ आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ड्रैग करके थोड़ा सा इसको, ताकि इसके इन्हीं के भी 4 4 हरूफ आ जाएं, तो ये देखें है ना कमाल की बात, ये 4 4 हरूफ तमाम के तमाम आप गिनती कर सकते हैं, अच्छी तरह आप देख सकते हैं कि तमाम के तमाम 4 ही हरूफ आए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं ये बता देता हूँ कि आप अगर कोई गिनती छोटी सी लिखते हैं, छोटी सी कोई भी गिनती लिख लेते हैं, तो उसको आप अगर मतलब 1 2 3 4 5 लिखते हैं, तो उसके आखिर में जो 4 और 5 है उसको आप अलहदा कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैं अभी आपको फार्मूला बताता हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ी सी गिनती लिख लेता हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, मैं जल्दी जल्दी से गिनती लिख लेता हूँ। तो मेरे भाई ये देखे मैंने सब आपके सामने ये गिनती लिखी हुई है, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन, नहीं ठीक है, चले ठीक है, जूम आउट ही ठीक है, मैंने ये लिखा हुआ 200 300 400 500 600 700, तो तकरीबन 1100 मैंने लिखा हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो इसके आखिर में 0 है वो अलहदा हो जाए, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला लिखता हूँ आपके सामने, मैंने इज इक्वल टू लिखा, बराबर लिखा मैंने, ठीक है। उसके अलावा मैं लिखता हूँ राइट, RIGHT, ठीक है, मैंने राइट लिखा, जैसे ही मैंने राइट लिखा और साथ में एक ब्रैकेट ओपन कर देनी है मैंने, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैं सेलेक्ट करता हूँ कि मैंने किस से क्या अलहदा करना है, मैं C1 से, ठीक है, C1 मैंने यहाँ पर लिख लिया, C1 से मैं अलहदा क्या करना चाहता हूँ, 3 रकम मैं अलहदा करना चाहता हूँ C1 से, ठीक है,
नहीं, पहले मैं एक रकम ज़्यादा करूँगा, मैं कोमा मैंने लिखा और मैं एक एंटर कर दिया, जैस मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी, ठीक है, ये फार्मूला मुकम्मल हो चुका है। अब मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ, जैसे ही आपके सामने देखे मैंने ओके पर क्लिक किया तो आपके सामने है ये ज़ीरो आ चुका है, मतलब 0 1 0 आया है, तो मैं फिल कर देता हूँ इसको, तो ये तमाम का तमाम ज़ीरो आ चुके हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं तीन रकमें हैं ना, वो तीन रकमें, पहले मैंने एक रकम को अलहदा किया था, अब मैं तीन रकमें, ये जब मैंने एक लिखा था मैं एक को ख़त्म करके तीन लिख देता हूँ, जैसे ही मैं तीन लिखूंगा और ओके पर क्लिक कर दिया तो आपके सामने ये देखिए तीन रकमें हैं जो वो अलहदा दूसरे कॉलम में भी आ चुकी है। मैं इसको दोबारा यहाँ पर मैंने क्लिक किया और फिल बटन पर क्लिक किया तो मैं नीचे तक इसको ड्रैग कर देता हूँ, और ये देखिए आपके सामने ये तीन तीन रकमें अलहदा कॉलम में आ चुकी है, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको खूबसूरत बनाना चाहूँ, खूबसूरत बनाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा कलर शलर कर देता हूँ ताकि आपको दिलकश और पुरकशिश लगे। उससे पहले मैं एक छोटा सा और आपको फार्मूला बता देता हूँ, ठीक है। फार्मूला ये है कि अगर आपने 100 लिख, मतलब चले वो मैं एक और वीडियो में आपको बता दूंगा, सबसे पहले मैं इसके कलर अच्छे अच्छे बना देता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ मुकम्मल, जैसे ही मैंने सेलेक्ट कर लिया अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर कलर वगैरह सब कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है, फिल कलर, फॉन्ट कलर, फिल नीचे जो कलर होते हैं वो फिल कलर है, ठीक है, तो फिल कलर ये मैंने कर दिए और फॉन्ट कलर मैं अभी आपको लाल, ठीक है, क्या बात है, ये खूबसूरत नज़र आ रहा है, ये देखिए आपके सामने है, तो इसके भी मैं कलर थोड़े से अच्छे अच्छे कर लेता हूँ। मैं थोड़ा सा पहले इसको हाईलाइट करूँगा, मैंने इसको पहले सेलेक्ट किया, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा इसको कलर में जाता हूँ, ठीक है, कलर, अब इसके कलर यहाँ पर मैंने क्लिक करता हूँ, मुझे कोई और कलर कलर चाहिए, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कलर कोई भी अपनी मर्ज़ी का सेलेक्ट करना है, मैंने यहाँ पर आप कोई भी कलर देख सकते हैं, ठीक है, तो ये देखिए ये कलर मैंने देख लिया। अब मैं इसका जो ये नंबर लिख लिया है, नंबरों का कलर मैंने सेलेक्ट करना है, तो वो भी मैं आपको अच्छा सा मैं कोई कर देता हूँ ताकि ये खूबसूरत नज़र आए, ठीक है, तो ये मैं किया है, ये इतना शो नहीं हो रहा, चलो चेंज कर लेता हूँ, ये अभी मैं चेंज कर लेता हूँ, ये मैंने रेड कर लिया है, ये थोड़ा सा बेहतर नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन नीचे वाला जो फिल कलर है ना वो चेंज करना पड़ेगा, फिर इससे बेहतरीन नज़र आएगी। तो मैं इसका नीचे का जो कलर है वो मैं तकरीबन मैं नीला कर देता हूँ, नीला, ये जी, अब आपके सामने ये देखिए खूबसूरत भी लग रहा है, लेकिन इतना खूबसूरत नहीं है जितना होना चाहिए था, मतलब आप जितना ज़्यादा आपको टाइम देंगे उतना ज़्यादा पुरकशिश नज़र आता जाएगा। आखिर में आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नीचे लाल रंग का बटन है उस पर क्लिक करें, ताकि मेरी हर तरह की जो वीडियो आएगी वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप फ़ायदा उठा सकें। ये आपको उम्मीद है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस्तेमाल करना मोबाइल पर आ चुकी होगी, ठीक है, छोटा सा मैंने फार्मूला अप्लाई किया और खूबसूरती ये देखिए आपके सामने है कि कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। मैंने आपका टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं किया, प्रॉपर मैं आपको थोड़े थोड़े टाइम में जो मैंने डेटा लिखना था वो मैं जल्दी जल्दी लिखता था ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। आखिर में खुदा हाफिज़।